दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला आप पर हाथ उठा रहा है और आपको बिना बात के ही मार रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि चालान काटने का अधिकार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही है, लेकिन इंडिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर कोई भी दो पुलिस वाले खड़े होकर चालान काटना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, जो आपके भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी ये जानकारी काम आ सके और वो भी पुलिस वालों की मनमर्जी से बच सकें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस के दो हवलदार कहीं भी गले मोहल्ले चौराहे पर खड़े होकर लोगों का चालान काटना शुरू कर देते हैं, और नियमों के बारे में ना पता होने के कारण मजबूरी में लोगों को चालान कटवाना भी पड़ता है। लेकिन हम आपको बता दें कि चालान काटने का अधिकार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है, बाकी पुलिस का कोई भी आदमी चालान नहीं काट सकता। और अगर अपने आसपास आप ऐसा होता हुआ देखते हैं, तो तुरंत अपना मोबाइल ऑन करके उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें। दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप 100 नंबर पर कॉल कर उनकी शिकायत भी कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि इस गली मोहल्ले चौराहे पर खड़ा होकर ये दो पुलिस वाले या कोई भी पुलिस वाला आपका चालान काट रहा है, जिसके बाद उन पुलिस वालों को सजा हो सकती है और यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब तक पुलिस वालों के पास रिटर्न में मजिस्ट्रेट की इजाज़त ना हो, तब तक वह सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और साथ ही किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप जल्दबाजी में अपनी गाड़ी के पेपर्स घर पर ही भूल जाते होंगे। अगर कोई पुलिस वाला ऐसे में आपकी गाड़ी को रोक ले और आपसे पेपर्स दिखाने के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, वहां पर जानकारी ना होने की वजह से आपको मजबूरन चालान कटवाना पड़ता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप अपनी गाड़ी के पेपर्स अगर किसी गलती की वजह से घर पर भूल जाते हैं, तो आपके पास 15 दिन का समय होता है कि आप अपनी गाड़ी के पेपर्स 15 दिन के अंदर उन्हें लाकर दिखा सकते हैं। सेंट्रल व्हीकल मोटर एक्ट के नंबर 139 के अनुसार अगर चेकिंग के समय आपके पास पेपर नहीं है, तो आपके पास 15 दिन का समय होता है कि आप अपनी गाड़ी के पेपर्स वहां लाकर जमा कर सकें। लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि पुलिस वाले आपसे आपकी गाड़ी के पेपर्स मांगते हैं, और आपके पास गाड़ी के पेपर्स ना होने की वजह से वो आपका चालान उसी वक्त काट देते हैं, और जानकारी ना होने की वजह से आपको चालान कटवाना भी पड़ता है। लेकिन अगली बार अगर कोई पुलिस वाला आपका चालान उसी वक्त काटने की बात करे, तो आप उससे 15 दिन के अंदर गाड़ी के पेपर्स लाकर दिखाने की बात ज़रूर कह दें, और उसको एक्ट नंबर 139 याद ज़रूर दिला दें। दोस्तों, अब आपको बता दें कि अगर कोई भी ऑन ड्यूटी पुलिस वाला आप पर हाथ उठा रहा है, या बिना वजह आपको मार रहा है, या किसी भी पर्सनल इशू की वजह से आप पर हाथ उठा रहा है, तो आप अपने बचाव में उस पर हाथ उठा सकते हैं या नहीं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी है, तो आप उस पर किसी भी हालत में हाथ नहीं उठा सकते, जब तक की बात आपकी जान पर ना बनाए। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपको जान से मारने की कोशिश करता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उस पर हाथ उठा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सेल्फ डिफेंस में उसकी जान तक ले सकते हैं। या फिर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ बिना बात गाली गलौज कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, और अगर आपने पुलिस वाले को गलत साबित कर दिया, तो आप पुलिस वाले को सज़ा दिला सकते हैं, यहाँ तक कि सज़ा के बाद उसकी नौकरी तक जा सकती है। दोस्तों, लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत से पुलिस वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों से रिश्वत लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हर केसेस में ऐसा नहीं होता। बहुत से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ निभाते हैं। जहाँ पर हर एक आम नागरिक को 8 से 10 घंटे काम करने की छूट है, वहीं एक पुलिस वाले को लगभग 12 घंटे की नौकरी करनी होती है, और अगर उसमें भी कहीं दंगा फसाद हो जाए, तो पुलिस वालों को ये तक नहीं पता होता कि अब वो वापस घर कब लौटेंगे। साथ ही जहां लोग तीज त्योहारों पर अपने घरों में खुशियां मनाते हैं, वहीं ये लोग उस वक्त पर भी नौकरी कर रहे होते हैं, ताकि आप अपने घर में सुख और शांति से अपने त्योहार को मना सकें। तो दोस्तों, पुलिस वाले की नौकरी करना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन कुछ पुलिस वालों की वजह से इंडियन पुलिस बदनाम है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है सही जानकारी की, और साथ ही ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाने की, जिससे पूरी पुलिस फोर्स बदनाम ना हो, और साथ ही
किसी भी आम नागरिक का नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इन जानकारियों का पता लग सके। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।